नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका। आप देख रहे हैं न्यूज 21। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां दलपतपुरा गांव में रिश्तों का कत्ल हुआ है। गांव में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक देवर ने अपनी भाभी की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 50 वर्षीय कृष्णा देवी पर देवर बेगराज ने नशे की हालत में कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वह गंभीर घायल हो गई। बताया जाता है कि कृष्णा की उपचार के दौरान मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। कृष्णा का पति अपनी बेटियों से मिलने उनके ससुराल गया हुआ था। इसी दरमियान छोटे भाई ने पीछे से उक्त वारदात को अंजाम दे दिया। थानाधिकारी ईश्वरानंद ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और नोहर के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। परिजनों ने बताया कि आरोपी बेगराज नशे में था और किसी वारदात को अंजाम देने की बात कह रहा था। पुलिस ने आरोपी की खोजबीन के लिए टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी है। नोहर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। दलपतपुरा गांव में कल रात को एक आदमी ने अपनी भाभी के साथ मारपीट की थी, जिसकी गंभीर घायल होने पर परिवारजन यहां लाए थे नोर हॉस्पिटल, जो जिसकी डेथ हो गई थी। इस पर नोर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका मृतका का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। क्या कारण पारिवारिक घरेलू कलह ही प्रथम दृष्टा विवाद सामने आया है, बाकी आगे अनुसंधान होगा तो उसमें सब चीजें क्लियर होगी। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।